क्लास सेकंड का चैप्टर फाइव पढ़ेंगे। ईवीएस का चैप्टर फाइव हमारा है आई सेलिब्रेट। इसका क्या है, मैं मनाता हूँ। हमारे इस लेसन में क्या है, अलग अलग त्योहारों के बारे में दिया गया है कि वो कैसे बनते हैं, उनका कौन सा टाइम आता है तब वो बनते हैं और कहाँ कहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखो हम पढ़ेंगे, फेस्टिवल्स आर स्पेशल डे विच वी सेलिब्रेट विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो फेस्टिवल त्योहार, फेस्टिवल क्या होता है, त्योहार। ऐसे तो त्योहारों आर स्पेशल डेज, त्योहार होते हैं उनका क्या है, कोई स्पेशल दिन होता है। यानी कि जैसे होली आती है तो वो एक दिन अलग से होली आती है, तो वो क्या उनका स्पेशल दिन है त्योहार का, विच वी सेलिब्रेट, जिसमें उस दिन को क्या है हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं उस त्योहार को विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ। जैसे कोई त्यौहार आता है तो उस दिन को हम या तो अपनी फैमिली के साथ मनाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं। ऑन ए फेस्टिवल वी वेयर न्यू क्लोथ, ईट डिलीशियस फूड एंड एक्सचेंज गिफ्ट विद अवर लव्ड वंस। अब देखो ऑन ए फेस्टिवल, उस दिन जब वो त्यौहार होता है, त्यौहार के दिन वी वेयर न्यू क्लोथ, हम नए कपड़े पहनते हैं। अब देखो डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, इसका क्या है, स्वादिष्ट। ईट खाते हैं हम, एक तो क्या है त्यौहार के दिन नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। एंड एक्सचेंज, और देते हैं या लेते हैं गिफ्ट विद अवर लव्ड वंस, लव यानी परिवार वाले हो गए जो हमें पसंद है, उन लोगों को क्या है हम त्यौहार के दिन गिफ्ट देते हैं और वो हमें वापस से देते हैं। तो त्यौहार को होता है ना कोई, जैसे रक्षाबंधन है, बाहर से दीदी वगैरह आते हैं तो उनको हम गिफ्ट देते हैं, और भाई बहन, भाई देता है ना बहन को गिफ्ट, ऐसे ही क्या वो गिफ्ट वगैरह देने होते हैं त्यौहार को। वी ऑल्सो क्लीन एंड डेकोरेट अवर होम्स, वी ऑल्सो क्लीन अवर होम्स, हम घर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, इसका क्या है साफ, साफ करते हैं और डेकोरेट सजा देते हैं। जब त्यौहार होता है तो हम क्या अपने घरों को, घरों की सफाई करते हैं त्यौहार होता तो, और उसको अच्छे से सजा देते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स, अब देर आर ये हमारे यहाँ क्या है, डिफरेंट अलग अलग त्यौहार हैं, फेस्टिवल के अलग अलग प्रकार के त्यौहार आते हैं। जैसे ये क्या है ये क्या है रिलीजियस धार्मिक त्यौहार, ये धार्मिक त्यौहार है। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी कि जो फसलों की कटाई पे मनाया जाता है वो त्यौहार है। नेशनल फेस्टिवल जो कि राष्ट्रीय पर्व होता है। अब देखो धार्मिक त्यौहार जैसे होली दिवाली आता है वो क्या धार्मिक त्यौहार होता है। हार्वेस्ट यानी कि वैसाखी वगैरह आते हैं, जो केरल में ओणम त्यौहार मनाते हैं, तो वो क्या कोई फसल कटती है या काट के रख लेते हैं उसको, या घर निकाल के ले आते हैं, तो ऐसे करके वो त्यौहार मनाए जाते हैं। और नेशनल पर्व यानी कि 15 अगस्त 26 जनवरी वो क्या होते हैं नेशनल पर्व। अब आगे देखो हमें दिया हुआ है रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले धार्मिक त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला त्यौहार कौन सा है, दिवाली। दिवाली देखो, दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली को जाना जाता है, नाम जाना जाता है, जो दिवाली का त्यौहार है उसको जाना जाता है किससे, लाइट्स यानी रोशनी का त्यौहार। जो दिवाली का त्यौहार आता है इसको हम उजाले का त्यौहार या रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद दियास कैंडल्स एंड रंगोलीज, अब देखो पीपल डेकोरेट, पीपल यानी लोग डेकोरेट सजाते हैं, लोग क्या है सजाते हैं देयर होम्स, अपने घरों को किससे सजाते हैं, अपने घरों को दिए लगाते हैं, कैंडल्स मोमबत्ती लगाते हैं और रंगोली अपने घरों में क्या है रंगोलियाँ बनाते हैं। जब दिवाली आती है तो क्या करते हैं लोग अपने घरों में, देखा ना आपने कि दिए लगा लेते हैं, दिए लगाते हैं ना रात को, कैंडल्स मोमबत्तियाँ लगा लेते हैं और जो गेट होता है उसमें, और या अपनी जो खाली जगह होती है उसमें क्या रंगोलियाँ बनाते हैं दिवाली के त्यौहार पे। दे वेयर न्यू क्लोथ एंड एक्सचेंज गिफ्ट विद ईच अदर, दे वेयर वे पहनते हैं न्यू क्लोथ्स नए कपड़े पहनते हैं एंड एक्सचेंज गिफ्ट विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्या है गिफ्ट देते हैं। तो क्या पहनते हैं वो, नए वस्त्र पहनते हैं त्यौहार के दिन और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं।
ये क्या है हमारा दिवाली के त्योहार पे हम करते हैं। हम आगे देखो होली, होली क्या है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली क्या है, त्योहार है किसका, कलर्स का, होली रंगों का त्योहार है। पीपल सिंग डांस एंड प्ले विद गुलाल। अब जो पीपल यानी लोग हैं वो क्या करते हैं, सिंग गाते हैं, गीत गाते हैं, होली के गीत गाते हैं ना, और डांस करते हैं, और प्ले विद गुलाल, और गुलाल जो कलर होता है, गुलाल बोलते हैं हम उसके साथ क्या है, वो खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और साथ साथ में गुलाल खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं। ए स्पेशल स्वीट कोल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन होली। अब जो होली की स्पेशल क्या है, हमारी एक स्पेशल स्वीट होती है, मिठाई होती है, स्वीट क्या होता है, मिठाई, एक मिठाई होती है वो, उसको क्या बोलते हैं, गुजिया, गुजिया होती है, खीर लेके आते हैं, खीर होती है ना खाने वाली, और उसी के साथ ऐसे गुजिया होती है, ऐसे ऐसी कुछ होती है ना वो गुजिया, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं और प्रिपेयर ऑन होली, होली होली पर वो बनाते हैं। बाकी देखो हमने क्या है, दिवाली पढ़ ली, होली पढ़ ली, और देखो ईद, ईद क्या है, मुंडन का त्यौहार होता है, ठीक है, तो इनका क्या है, ये भी धार्मिक त्यौहार है। अब देखो ईद इज सेलिब्रेट ऑफ आफ्टर ए मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल्ड रमजान, ये क्या है, रमजान, जो रमजान होते हैं ना उनके एक महीने क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनका एक महीना रमजान का होता है, उसमें वो क्या है, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसके एक महीने बाद अप्रैल मंथ, एक महीने बाद क्या आती है, ईद का त्यौहार आता है। अब देखो रमजान के एक महीने के बाद ईद का त्यौहार आता है। पीपल वेयर न्यू क्लोथ और ऑन दिस डे, और जो पीपल लोग हैं वेयर न्यू क्लोथ, नए कपड़े पहनते, ये क्या है, नए कपड़े तो हर त्यौहार पे ही पहने जाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन क्या है, लोग जो है नए कपड़े पहनते हैं। एंड ऑफर प्रेयर, प्रेयर एट मोस्क्यूज, मोस्क्यूज क्या होती है, मस्जिद, मस्जिद के लिए बोला गया मोस्क्यूज, तो क्या है, वो मस्जिद में जाके और प्रेयर यानी भगवान से हम तो प्रार्थना करते हैं, वो क्या है, दुआ करते हैं, ठीक है, तो वो मस्जिद में जाके नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद में जाके दुआ करते हैं। कौन से दिन, ईद के दिन। वी विश ईच अदर ईद मुबारक, वी विश, वो हम एक दूसरे को विश करते हैं, ईच अदर एक दूसरे को विश करते हैं, क्या विश करते हैं, ईद मुबारक। जैसे हम बोलते हैं हैप्पी दीपावली वगैरह, दिवाली का त्यौहार होता है तो हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, तो ये क्या है, ऐसे इनका क्या है, ईद के दिन क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। ए स्पेशल डिलेक्सी कॉल्ड सेवन इज प्रिपेयर्ड एट सॉरी एंड शेयर्ड विद फ्रेंड एंड फैमिली। अब देखो एक स्पेशल डिलेक्सी एंड स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, सेवन जो सवैया बनाते हैं ना, इनकी क्या होती है, सवैया होती है, तो वो ईद के दिन बनाई जाती है, इज प्रिपेयर्ड बनाना, बनाते हैं इनका जो स्वादिष्ट ये जो खाना है ये ईद के दिन बनाया जाता है इनका, एंड शेयर, और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं विद फ्रेंड, सॉरी हाँ फ्रेंड एंड फैमिली, और एक फैमिली या अपने दोस्तों के साथ साथ जो ये खाना बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब देखो जितना आपका लेसन मैंने करवाया है उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना।